So, good morning guys from Rishikesh. Morning. तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा था, सुबह के 9 बज रहे आई थिंक। तो अभी हम लोग यहाँ से रेडी होकर फिर हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग घूमने जाएंगे और मैंने जाएंगे और लक्ष्मण जाएंगे। मैं रात में प्रिया को बोल रहा था कि क्या बोलते हैं हम कैसी जगह आ गए यार, यहाँ पे तो पहाड़ी नहीं है इतना कंजेस्टेड है। लेकिन मैंने अभी सुबह सुबह देखे इधर पहाड़ है, लेकिन वो दिख नहीं थी इधर ना, पहाड़ है ये ना दिख नहीं थे बट हाँ। फिर मैं बोला कि यहाँ पर ठंड तो है ही नहीं, यहाँ पर ठंड तो है ही नहीं, हम कैसे आ गए इधर। पर कोई नहीं, अभी ठंड तो है ही नहीं वैसे, सच में ठंड नहीं है, है ना, ठंड नहीं है यार, ये नॉर्मल है वैसे यहाँ। और मेरी आईज भी रेड रेड हो गई क्योंकि मेरी ना नींद पूरी नहीं होती, देखो है ना, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है काफ़ी टाइम से। बट कोई नहीं, अगर हमें ट्रैवलिंग करनी है तो नींद से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। yes. नींद को साइड हटा के हमें ट्रैवलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना अब जैसे हमारी एक बार यहाँ तक आने की वो खुल गई, एक जो अंदर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, इंजक नहीं कुछ और बोलते हैं, एक जो एक वो एक डर होता है एक अजीब सा, तो वो हमारा ना जो डर था वो खुल गया है। अब हौले वाले हम लोग ट्राई करेंगे, हम घूमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घूमें और महीने में एक ट्रिप तो मारा करेंगे, क्योंकि पता है इससे एक माइंड भी फ्रेश हो जाता है, एक पॉजिटिविटी आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। पर एक ये आने के समय एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं और एक बाइक से ट्रैवल करने का अलग ही मजा आया। रात में प्रिया बोली थी कि हम लोग भी एक बाइक ले लेते हैं, है ना, रात में प्रिया बोली थी कि अच्छी सी कोई बाइक देखते हैं जो तुम्हें पसंद हो वो हम ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कार की प्लानिंग कर रहे थे कुछ टाइम से, कार लेते फिर मेरे बोलते कि हम लोग बाइक ले लेते हैं क्योंकि बाइक से हम लोग घूमेंगे। फिर मैं हम लोग ना कंफ्यूज हैं इसलिए कि अगर हम कार लेंगे तो कार से मतलब ये कि हम लोग काफी चीजों से बच जाएंगे, जैसे कि सर्दी गर्मी और बारिश, हम से सेफ रहेंगे, और एक वैसे भी एक आगे जाके फैमिली एक बाइक बाइक के लिए बाइक वाली वाइब अलग होती है, वो अलग ही है क्योंकि वो डिफरेंट लगी हुई है, मजा आ गया। ऋषिकेश अभी आया तो उसी दिन पता चल गया, मतलब वो चीज प्रिया को पहले ही बोली थी कि मेरे को बाइक का शौक है, हम लोग बाइक ले लें तो प्रिया ने मना कर दिया कि नहीं नहीं बाइक नहीं कार लेंगे, बट अभी भी ऐसा वो डिसाइडेड नहीं है कि हम फाइनल कार ही लेंगे या बाइक लेंगे, बट जो भी लेंगे आपके सामने तो आ ही जाएगा और वो भी हम सरप्राइज करेंगे मतलब अपने पेरेंट्स के लिए। ये भी नहीं बोलना था, सॉरी गाइस, वो जो भी हम करेंगे वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक अलग टाइप का हमारा कुछ एक मोमेंट है जो हमने सोचा कि हम करेंगे, तो वो हम तब बता देंगे जब भी होगा। अभी फिलहाल तो हमारे दिमाग में चल रहे तो हमने वो शेयर कर दिया है। हाँ। और फिलहाल अभी हम जल्दी से नहा के और फिर चलते हैं रामझूला सबसे पास में है यहाँ से, जहाँ पे हम रुके हैं, ये बेसिकली जहाँ रुके हैं ना ये ऋषिकेश सिटी है, कैलाश गेट है यहाँ पे पास में, इतना मालूम है मेरे, ये नहीं मैंने बाहर लिखा हुआ था, ये ऋषिकेश सिटी है, वो कैलाश जो भी तुम बता रहे हो वो भी पास में, यहाँ पे कैलाश गेट देखा था मैंने एक बोर्ड लगा हुआ, तो अगर तुम समझ जाओ अगर तुम लोग ऋषिकेश आए हो तो कैलाश गेट के पास रुके तो इसका मतलब हम कहाँ पे रुके होंगे। और उसके अलावा जहाँ हम रुके हैं यहाँ से जो राम झूला है वो 1 किलोमीटर है और लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर है, पर अभी हमें कहीं से पता चला कि लक्ष्मण झूला शायद अभी वर्किंग नहीं है, तो जैसे भी होगा अभी देखते हैं आगे, हम जा ही रहे हैं, पता चलेगा तो आपको बताएंगे। और हाँ, हम लोग को कल टाइम लगा यहाँ तक आने का 4 घंटे अपने घर से यहाँ तक, और थोड़ा बहुत जो लगता है वो हम, और हमारा टाइम इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि हम लोग गलत रोड पे, मतलब जो GPS हमें दिखा रहा था हम उस रोड पे चले गए, वहाँ पे यार विश्वास नहीं मानोगे, वो रोड पता है कैसा था, वो रोड ऐसा था उस पे एक भी गाड़ी नहीं दिखी, एक भी गाड़ी नहीं और पहाड़ों के बीच में से रोड जाता अंधेरा हो रहा था, चारों तरफ से ऐसे ऐसे पेड़ थे, शूट नहीं कर भाई। हाँ। ऐसे पेड़ हो रहे थे और रास्ते में पानी, नदी रास्ते के ऊपर, उस टाइम मतलब मेरे दिमाग में शूट का तो बिल्कुल छोड़ा, मैं सोच रही थी कि वो जल्दी से हम कहीं एक शहर पे पहुंच जाए। हाँ, और पता है वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे शेर आके ना घुस जाए, पर वहाँ पे ना फिर हम जब आगे पहुंचे तो वहाँ पे गाड़ियाँ और भी थी लौट के आ रही थी, तो वहाँ से वो वापस कर रहे थे कि ये रोड रात में बंद कर जाता है, जाता ऋषिकेश ही है लेकिन रात में बंद कर दिया जाता है, तो फिर हम लोग वापस आए गाड़ियों के। तो मतलब अगर आप किसी ऐसे पहाड़ वाले एरिया में अगर चढ़ते हो ना तो याद रखना कि आप वहाँ ना जाओ, क्योंकि रात के टाइम पर ना जाओ, क्योंकि एक हाईवे है सीधा हाईवे आता वो है, तो उस हाईवे पे ही आना है, जब मैं भी देख लूंगी वो GPS शॉर्टकट से हम लोग आए थे। हाँ। इस वजह से ऐसा हो गया, वो भी हरिद्वार से ब्रिज जा रहा था वहां से हम लोग चले गए थे, बट कोई नहीं, आप ध्यान रखना, मैं सही बताऊं मेरे को ना शेरों का इतना डर नहीं था जितना मेरे को भूतों का डर लग रहा था कि कोई ऐसे खड़ी होगी और मेरे को देखेगी, हाय वेलकम टू ऋषिकेश। नहीं खैर, मैं कुछ ये सोच ही नहीं रही थी, मेरे
मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था। अब मैं तो पेड़ पे भी देखता हुआ चल रहा था कि पेड़ पे लटकी तो नहीं, इधर भी लटका था नहीं, बट कोई नहीं, एंजॉय लगा, मतलब बहुत ज्यादा मजा आया। एक 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 मूवमेंट, एक अलग एक्सपीरियंस था वो, एक मूवमेंट नोट हो गया हमारी मेमोरीज में कि हम लोग यार ये हमने एक बार किया था, हमने एक बार नहीं किया था। मजा आया। अभी हम लोग रेडी रहते हैं, फिर इसका चेकआउट करेंगे, फिर ये शायद व्लॉग बहुत बड़ा बन सकता है। इसके बाद हम दूसरा व्लॉग शुरू करते हैं, इसको अभी हम यहीं तक रखते हैं। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन थी, जो हमें लगी, वो हमने आपके साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस हमें शेयर कर दिया है। उसके अलावा इसके साथ साथ हम अपना रूम टूर भी देते हैं सी के अंदर ही, जिससे कि आप लोग कुछ दिखाया तो है। देखो रूम टूर ऐसा है, मैं बताता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मिरर दे रखा है, इधर बहुत सारे कर्टन दे रखे हैं, और सामने तुम्हारा एक एलईडी दे रखा है, एक ये बेड दे रखा है जो कि बेड ही है, और साइड में एक टेलीफोन, साइड में एक टेलीफोन जिससे क्या कॉल कर सकते हो। ये एक अलमीरा दे रखी है जिसको जिसको कि हमने यूज नहीं किया, इसमें हैंगर टंगे हुए, हम लेके जा सकते हैं पर हम लेंगे नहीं। और ये बाथरूम है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमको मुझे अच्छा लगा। हाँ मतलब सही है, ठीक है ना। और यस यहाँ पे टॉयलेट पेपर सजा के रख रखे, और उसके बाद ये हमारी बोतल रखी है पानी की, इधर पी जाएगा, जूस रखा हुआ, खाना भी रखा हुआ है। और यहाँ से ये बालकनी है, ये पूरी बालकनी है, यहाँ से पीछे का व्यू दिख रहा है। यहाँ पे एक घर बने हुए हैं कुछ टीन वाले, और वो सब ग्रासेस व्रासेस अच्छा लग रहा है। उधर छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन अंधेरा दिख रहा है। हाँ सामने भी हैं, लेकिन वो ठीक है। अब जो भी है देखो, वो है कैलाश गेट उधर सामने, वो जो तुम्हें दिख रहा पार्टी जो लिखा हुआ है वो है वहाँ, वो है कैलाश गेट। अच्छा ठीक है। हाँ वहाँ पे मैंने बोर्ड दिखा था। अरे यहाँ पे बंदर भी हैं। अरे वाह, ये तो हमारे शहर की याद दिला। ठीक है चलो, तो ये हमारा रूम है, तो यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं। ये पूरा रूम है, मतलब हम लोग के पास टाइम नहीं था, इस वजह से हमें इमरजेंसी में लेना पड़ा, क्योंकि लेट हो गए थे थोड़ा सा, वरना हम अगर टाइम पे आते तो हम अच्छे से इसको मैनेज करके हम ले सकते थे। बट कोई नहीं, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे दिखा थोड़ा सा कॉस्टली, हल्का सा कॉस्टली पड़ा। हाँ बट जो भी है, अगर हम टाइम पे आते तो ये भी थोड़ा मैं कम कर सकता था, बट कोई नहीं है ना। तो हम सेफली आ गए, सेफली यहाँ पर रुक गए, बस वही काफी है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और हम नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे नहाने धोने के बाद। बाय। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। चलो बाय।